ये गैलेक्सी एम थर्टी से कौन ज्वाइन हेलो रिनेम करिए डेली कहना पड़ता है

ओके okay. तो स्टार्ट कर रहे हैं एंड हेलो हेलो हाँ जी ठीक हो सर हाँ जी बढ़िया ये गैलेक्सी एम थर्टी से कोई ज्वाइन है क्या बताएं ये कल जो थे वही हैं अब रिनेम नहीं किया तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और कंप्लीट करते हैं Packet Tracer सभी ने इंस्टॉल किया इस पर अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप कर सकते हो मैं एक क्विक गाइड दे देता हूँ कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है फॉर बेसिस लैब तो ये सॉफ्टवेयर है सभी ने इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम पर आज़े 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 ओके okay. तो देखो डिवाइसेस इसमें जब भी आप सेलेक्ट करेंगे जैसे राउटर मुझे लेना है तो नेटवर्किंग डिवाइसेस यहाँ पर मैं माउस पॉइंटर लेकर जा रहा हूँ जब मार्कर लेना पड़ेगा ताकि समझ में आए सबको कि कहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ क्या है ओके okay, तो मार्कर के लिए मार्कर ओके okay, ये वाला एक एरिया यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस का ऑप्शन है तो यहाँ से आप अपनी डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकते हो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इसके नीचे के सभी डिवाइसेस यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे राइट जैसे ये हमारा राउटर है राउटर लेना है तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर सारे राउटर के सीरीज आ जाएंगे क्लियर है तो मुझे ये सीरीज ये सीरीज जो भी राउटर की सीरीज पर काम करना है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ ओके नेक्स्ट यू कैन सेलेक्ट स्विच जैसे ही आप स्विच पर क्लिक करोगे मल्टीपल साफ स्विचेस की सीरीज इधर मिल जाएगा तो उसमें से जो स्विच चाहिए वो आप ले सकते हो हब के लिए वायरलेस डिवाइसेज के लिए फायरवॉल के लिए क्लाउड के लिए ऐसे ही आपको एंड पॉइंट डिवाइसेज चाहिए लाइक कंप्यूटर पीसी लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन वाट तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड अगर आप कोई भी ऐसा कुछ काम कर रहे हो जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है कोई सर्किट बोर्ड डिजाइन करना है तो इसके लिए तो ये सब की जरूरत नहीं है किसी भी टाइप्स के केबल के लिए ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा केबल मीडिया के लिए यहाँ पर आपको कुछ कस्टमाइज राउटर मिल जाएंगे कस्टमाइज स्विचेज मिल जाएंगे जिसके अंदर एक से ज़्यादा पोर्ट किसी भी उसका देखकर मिलेगा जैसे इन सीरीज़ में अगर सीरियल पोर्ट दो है और आपको चार सीरियल पोर्ट चाहिए तो यहाँ पर राउटर्स या डिवाइसेस जो होंगे उसमें सीरियल पोर्ट ज्यादा से ज्यादा होगा राइट ऐसे करके यहाँ पर ये यह मिल जाता है उसके बाद ये जो आइकन है ये नोट पैड के लिए कि मैंने यहाँ पर एक राउटर रखा मुझे इसके साइड में कुछ नोट्स लिखना है तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं ये हमारे पास लाइन ड्रॉ करने के लिए है ये हमारे पास आई थिंक स्क्वायर सर्कल और इन सब इन सब चीजों को ड्रॉ करने के लिए है ये ये हमारे पास पी है पिंग मैसेज भेजने के लिए और ये प्लस माइनस रीसेट ये है स्क्रीन का जैसे कि कुछ आप देख रहे हो और प्लस करना है तो ये स्क्रीन बड़ी होती चली जाएगी राउटर का ये जो भी है बाकी इधर का कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं जो काम करते हो वो टास्क विजर्ट इधर चलता रहता है क्लिक करके आप अपनी पूरी कमांड चेक कर सकते हैं बाकी कॉपी पेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ से आई थिंक वन स्टेप बैक एंड वन स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए दिया हुआ है कि आप कोई चीज कन्फिगर किए और यहाँ पर क्लिक कर रहे हो तो बैक एंड फॉरवर्ड के लिए आ जाएगा आई थिंक ये यूजर का है कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है प्रिंट करना है कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया पूरा उसको प्रिंट करना है यूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन सेव करना है ये है तो ये कुछ बेसिक सेटिंग है यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर में आकर ऑप्शन में जब फर्स्ट टाइम आप इस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी क्या जरूरत पड़ेगी जैसे मैं अगर अभी एक राउटर लेता हूं और मुझे जूम करना है ये जूम कर लिया एक और राउटर मैं ले लेता हूं यहाँ से मैंने यहाँ सेलेक्ट किया दोनों राउटर को आपस में मैंने कनेक्ट किया ये अब यहाँ पर पोर्ट नंबर मेरे में दिखा रहा है आप नया नया कन्फिगर करेंगे तो आप में नहीं दिखाएगा तो स्टार्टिंग में पोर्ट नंबर दिखे तो बेटर है नहीं दिखे तो आपको अंदर जाकर चेक करना पड़ेगा राउटर टू राउटर कौन सा पोर्ट इस्तेमाल किया गया उसी पर आपको कमांड अप्लाई करना पड़ेगा बट एज ए स्मार्टली वर्क करना है तो आप यहाँ से पोर्ट नंबर को एनेबल कर लो करने के लिए ऑप्शन पे आएंगे प्रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलेगा ऑलवेज सो पोर्ट लेबल इसको अगर मैं चेक किया हूं तो दिख रहा है अगर मैं अनचेक कर दूंगा तो हट जाएगा इसके अलावा यहाँ पर सो डिवाइस नेम अगर ये राउटर जीरो हटाना है तो यहाँ से डिवाइस नेम को हटा दो ठीक है और इसको भी हटा दो तो बिल्कुल क्लीन लगेगा इस तरीके से बट आपको पता होना चाहिए कि कौन से पोर्ट के थ्रू कनेक्शन है तो बार बार हमें वो चीज मेंटेन करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा समझ रहे हो आप तो जो आपको बेटर लगे उस हिसाब से कन्फिगर करेंगे उसके बाद यहाँ पर और कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है फॉन्ट सेक्शन में आ जाएंगे अब ये मान लिया एप्लीकेशन का साइज इलेवन पी पर है मैं इसको इतना बड़ा करके अप्लाई कर दूंगा तो ये देखो अब ऑटोमेटिक ये खुद ही इतना बड़ा बड़ा हो गया राइट और भी बड़ा मुझे रखना है तो ये कर सकता हूं अप्लाई ये देखो ठीक है ये रीसेट कर देंगे अगर आप ये तब भी अब ये इतना बड़ा बड़ा राउटर और ये सब लिख के आएगा ओके तो आई थिंक ये इतना सही नहीं है कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तब भी आपका ये ओपन हो जाएगा फ्रंट पे आएंगे और आई थिंक थर्टीन कितना था इलेवन था थर्टीन था इलेवन था इलेवन था उस पर रहने देंगे ताकि प्रॉपर वो दिखे एक एक चीज और उसके बाद ये सी एल आई है कि जब भी आप कोई कमांड ऑपरेट करते हो टर्मिनल पर तो उसका फॉन्ट कैसा हो तो यहाँ पर कुछ साइज दिया हुआ है मीन्स फॉन्ट uh, और यहाँ पर आपका साइज है तो मैं फोर्टीन रखा हूँ आप फोर्टीन फिफ्टीन जो रखना चाहे रख सकते हैं मैंने एक और बढ़ा दिया और जो भी टर्मिनल मेरा ओपन होगा लेट मी शो पहले कि ये हो क्या रहा है जैसे इसका कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करता हूँ तो देखो ये तो इतना बड़ा बड़ा फॉन्ट है अगर आपका छोटा फॉन्ट दिख रहा है ऑप्शन प्रेफरेंसेस में आएंगे और फॉन्ट साइज यहाँ से आप अपना सब जैसा चाहिए जो भी कलर चाहिए मेरा वाइट एंड ब्लैक है आपको अगर दूसरा चाहिए लाइक like, मैं यहाँ से कर देता हूँ टेक्स्ट कलर जो हमारा है ये ब्लैक में कर दू यहाँ से ब्लैक ये और बैकग्राउंड में कर दू वाइट है ना अब देखो अब जब मैं टर्मिनल ओपन करूंगा तो क्या होगा ऐसे दिखेगा राइट तो आपको जैसा जो भी टर्मिनल पर कॉन्फ़िगरेशन या जैसा भी चाहिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो बट मैं ब्लैक क्यों रखता हूँ ताकि मैं मार्कर अगर इस्तेमाल करूँ तो आगे जो कॉन्सेप्ट है समझाने में मुझे हेल्प मिलता है ओके तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा वाइट की जगह ब्लैक एंड ब्लैक की जगह वाइट ओके ये बाकी पूरा रीसेट करना है तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं इस तरीके से मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा राइट तो कन्फ्यूज नहीं होना अब मुझे एक छोटा सा नेटवर्क बनाना है हमारे पास पुराने बैचेज के कुछ लैब होंगे जो सेव होंगे जैसे लास्ट बैच फोर्टी थ्री का था तो इसका एक नेटवर्क हमारे पास होगा लाइक या मैं एक पूरा नेटवर्क नया डिजाइन करता हूँ तो मुझे उसी के अंदर कुछ प्रैक्टिकल और सारी चीजें भी करनी है तो मैं एक राउटर ले, ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और फोर्टी थ्री हंड्रेड सीरीज का एक राउटर ले लिया राउटर टू नेम है इसका और मैं यहाँ से एक स्विच ले लेता हूँ जो कि ट्वेंटी नाइन हंड्रेड सीरीज का ये स्विच है और मैं यहाँ से एक सर्वर ले लेता हूँ देखो पीसी पर मैंने क्लिक किया ये सर्वर हो गया एक छोटा सा लैब सेटअप करते हैं आप ऐसा भी बनाने की कोशिश करेंगे अभी एज अ सी सन ने स्टूडेंट आपको लैब मिलेगा स्विचिंग जब आपका स्टार्ट होगा तब करना होता है बट आप थोड़ा सा प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो अभी जैसे मैंने एक सर्वर ले लिया यहाँ से तो डिवाइसिस एटलीस्ट सेलेक्ट करना है सॉफ्टवेयर पर इस्तेमाल करो या यूज़ करो मैंने यहाँ से कुछ कंप्यूटर ले लिया दो कंप्यूटर ले लिया एक छोटा सा लैब हमारा यहाँ पर रेडी हो गया और अब मुझे करना क्या है कि इनके बीच में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना है अभी मैंने केबलिंग नहीं पढ़ाया है कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया है एक एक करके सब पढ़ाएंगे इथरनेट मीडिया एंड ऑल तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है ओ एस आई मॉडल राइट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं ओ एस आई मॉडल विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एज पर इंटरव्यू बहुत ही पॉपुलर एक क्वेश्चन है what is osi model and what is the function of osi model how many layers in osi model what is the family uh, what what are the functions for every layers okay to ye sari cheeze queries kari jati hai by interviewer to ek ek layer ke bare mein aapko batana hoga ओके okay, मैं बता रहा हूँ at end of question, end of session आप लोग query करेंगे क्योंकि अब हमारा Uh, कोई बेसिक टॉपिक नहीं है ठीक है तो अब बिल्कुल एंड में कोई क्वेरी होगा करेंगे क्योंकि मैं बिल्कुल ए टू जेड सब एक्सप्लेन कर दूंगा आई थिंक कोई क्वेरी नहीं बचेगा ओके तो अपना क्वेरी पुट अप कर लेंगे नोट डाउन कर लेंगे या चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे उसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे क्लियर है सबको म्यूट रखेंगे अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ फिर दिक्कत आ जाएगी राइट ओ मॉडल तो ओ एस आई मॉडल के कंप्लीट फंक्शन को अगर मुझे समझना है तो हमें इसकी सेवन लेयर्स को समझना होगा और मैं ये कहीं पर भी आप देखेंगे तो लोग थ्योरेटिकल पढ़ाते होंगे बट मैं, मैं इसका लाइव प्रैक्टिकल के साथ एक एक चीज दिखा दूंगा एंड आई टेल दैट हाउ डज ट्रांसमिशन वर्क कैसे ये काम करता है एंड हाउ यू कैन ट्रैक योर पैकेट वाइल्ड ट्रांसमिशन की जब भी हम एक ट्रांजेक्शन करते हैं तो पैकेट हमारा ट्रांसफर कैसे होता है तो इसके लिए मैंने एक लैब सेटअप बनाया है ओके तो बना लेंगे लैब सेटअप देन ओके नहीं बनाने आता है तो अभी इसकी गारंटी में ले, नहीं ले रहा स्विचिंग में मैं आपको एक एक लैब बनाकर बताऊंगा तो कुछ नहीं करना है बस मैंने यहाँ पर ले लिया मुझे बताइए राउटर टू स्विच डिफरेंट डिवाइसेस है इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे कौन से केबल की जरूरत पड़ेगी स्ट्रेट केबल स्ट्रेट केबल टेट की केबल. जिनको नहीं पता क्रॉस स्ट्रेट डोंट वरी अभी के लिए नॉलेज में रख लो कि डिफरेंट डिवाइसेस है तो हम लोग कौन सी केबल लेंगे स्ट्रेट लेंगे straight और अगर सिमिलर है पीसी टू पीसी लेकर जाएंगे तो क्रॉस लेंगे यहां पर आप लेकर जाएंगे जैसे ये केबल जो है ना आप रिपीट कर रहे हो मेरे साथ बार बार म्यूट <laughs> करिए सभी लोग ओके थैंक यू तो यहां पर हमारे पास ये हो गया और जब भी हमारे पास डिफरेंट सेम डिवाइसेस है तो हम लोग इस क्रॉस uh, केबल लेंगे जैसे यहाँ पर आप माउस पॉइंटर लेकर जाओ देखो नीचे लिख कर आ गया ना दिस इज द क्रॉस केबल दिस इज द स्ट्रेट केबल दिस इज द सीरियल डीसी डीटी है ना फाइबर हर तरीके का यहाँ पर केबल यूएसबी से लेके हर चीज दिया हुआ है कंसोल तो आई टेल एवरी थिंग अबाउट दीज ऑल केबल्स की कैसे क्या इस्तेमाल करना है आगे चल के तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है ये भी दोनों डिफरेंट डिवाइसेस है तो अगेन आई नीड स्ट्रेट केबल तो मैंने इसको इस पोर्ट के साथ इसके फास्ट इथरनेट पोर्ट से कनेक्ट कर दिया बस ये डन थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम छोटा रखता हूँ ताकि डिवाइसेस का जो लिखा हुआ है डिटेल वो प्रॉपर दिखे एक काम करते हैं जो राउटर वगैरह लिख कर आ रहा है ना मैं प्रेफरेंसेस में आकर नेम अगर मैं हटा दूं तो क्या कोई दिक्कत है ऐसे समझ में तो आ जाएगा क्या, क्या राउटर है क्या है अच्छा चलो हटो रहने दो सर अभी कुछ दिन के लिए रहने दीजिए हाँ, कुछ दिन ताकि समझ में आए कौन सी डिवाइस ली जा रही है राइट तो अगर आपको अभी बिगनर लेवल पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्रॉस केबल स्ट्रेट केबल डीसी केबल डीटी केबल ऑप्टिकल केबल कहाँ पर लगनी है तो ये जो पहली केबल है ना ऑटोमेटिक केबल इसको सेलेक्ट करो बट आपके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए कि कौन से सिनेरियो में कौन सी केबल लगेगा राइट ऑटोमेटिक केबल जब सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके दे देगा किस से कनेक्ट करना है और कौन सी केबल लगेगा बट बेटर क्या है कि आपको नॉलेज भी होना चाहिए राइट right? ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठकर ड्राइविंग नहीं कोई सीख सकता है ना तो ये मेरा हो गया अब इसमें मैं काम करता हूं बस इस तरीके से आप लैब वगैरह बना लेंगे आगे की लैब आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा बट मैं कोशिश करता हूं यहाँ पर एक दूसरी बनी बनाई लैब अदरवाइज़ कहेंगे ये चल क्या रहा है तो मैं एक लैब यहाँ से लेता हूँ आपका बैच आईडी कितना फोर्टी फोर है ना तो फोर्टी थ्री का मैं ले लेता हूँ लाइक एच टी टीपी की लैब यहां पर नहीं है यह हमारे पास एक छोटी सी लैब है ठीक है तो कुछ बनी बनाई लैब है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक सर्वर रखा हुआ है है ना इसको थोड़ा जूम करते हैं और यहाँ पर आप देखो ये सर्वर है सर्वर का नेम क्या है सीखो लाइव डॉट कॉम मैं ओ एस आई मॉडल पढ़ा रहा हूँ बट लेट मी कम्प्लीट दिन अबाउट लैब एंड थियरी तो ओ एस आई मॉडल के बिहार पर हमें एक लैब चाहिए जहाँ पर मैं डेटा सेंड करूँ और मैं ओ मॉडल की लेयर के अकॉर्डिंग चेक करूँ कि कौन सी लेयर पर क्या फंक्शन हो रहा है ठीक है ये एंड आई विल टेल हाउ यू कैन कनेक्ट और हाउ यू कैन ट्रैक डेटा पैकेट इन रियल इन्वायरमेंट आल्सो राइट तो वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पर सीखो -कॉम है और जिसका आई एड्रेस है अगर मैं इस सर्वर को किसी क्लाइंट से एक्सेस करता हूँ जैसे ये हमारा क्लाइंट है हंड्रेड डॉट टेन इसकी आई पी देखना यहाँ पर क्या है हंड्रेड डॉट टेन अगर मैं इस आई पी के साथ इसको एक्सेस करता हूँ तो क्या होगा इस पी सी पर आ गए डेस्कटॉप वेबसाइट ओपन करने के लिए ब्राउजर ओपन किया और यहाँ पर मैंने लिखा वन नाइन्टी टू डॉट वन सिक्सटी एट डॉट हंड्रेड डॉट टू फाइव ज़ीरो या तो आईपी से या तो नेम से नेम हमारा क्या है एक्सेस हो हो रहा है वेबसाइट? हो रहा है है वेबसाइट सर ना तो एक है। लैब है जिसमें मैंने एक छोटा सा वेब पेज बनाया और ये सारी चीजें किया और एक्सेस हो रहा है अब हम इसी में क्या करने वाले हैं प्रैक्टिस करने वाले हैं कि ये डेटा प्रोसेस एक वेबसाइट पर जब मैंने ट्रिगर किया अपने कंप्यूटर से या मैं गूगल डॉट कॉम एक्सेस कर रहा हूँ मैं फेसबुक डॉट कॉम एक्सेस कर रहा हूँ एक्स वाई जेड एनी डॉट कॉम एक्सेस कर रहा हूँ तो मुझे ये ट्रांसमिशन प्रोसेस समझना है थ्रू सेवन लेयर विद द हेल्प ऑफ आई मॉडल देन व्हाट इज द प्रोसेस और व्हाट हाउ यू कैन ट्रैक एक्टिविटी तो ओ स्टैंड फॉर क्या होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन यही होता है ओके एंड दिस पर्टिकुलर मॉडल यूज्ड फॉर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड टू डाटा शेयरिंग के लिए डाटा पैकेट डाटा शेयरिंग के लिए डाटा पैकेट्स में ये रेफरेंस मॉडल है सर हाँ यूज्ड टू या बोल सकते हैं कि यूज्ड टू ट्रैक ट्रांसमिशन राइट ऐसे hmm. बोल सकते हैं एंड इट्स अ Reference, spelling देख लेंगे लिखते बोलते समय इधर उधर होगा तो ये हमारा बेसिक फंक्शन है इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट है तो सेवन लेयर्स में जो हमारा first... म्यूट करवाइये पीछे से एक बार डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से तो। मैं बहुत शांति से क्लास ले सकता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता वैसे मैं क्लास लूँ मैं चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी इंटेलिजेंस अपने एंड से दिखाएं जी नहीं तो मुझे क्या है मैं अपने एंड से म्यूट कर दूंगा तो उधर से कोई अनम्यूट और कुछ भी नहीं कर पाएगा है ना चैट भी नहीं कर पाएगा सारी चीजें और फिर लास्ट तक आप वैसे मुझे अकेले यहाँ पर इतनी रात को बड़बड़ाते देख पड़ोसी भी कहेंगे कि क्या चल रहा है आजकल कल कहाँ बातें हो रही हैं है ना अकेले ऐसे लगता है सर ये रिफरेंस मॉडल क्या आपने लिखा फिर से बताएंगे सर देखो जब हम जब हम टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ते हैं तो एक रियल सिनेरियो मॉडल समझ आ जाता है राइट टीसीपी आईपी मॉडल भी इसका एक होता है जिसके थ्रू तो हम लोग क्या करते हैं डेटा पैकेट को एक्नोलेज करते हैं कि हमारा डेटा ट्रांसमिशन जा कैसे रहा है और एज अ रिफरेंस मॉडल बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारा एक लॉजिकल प्रोसेस चल रहा है, है ना yeah. जी सर यस सर तो लॉजिकली हम यहाँ पर देखते हैं कि एज अ जो yeah. हमारा यहाँ पर कम्युनिकेशन है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर सेंडर एंड रिसीवर जो भी है तो एक तरीके का एक फ्रेमवर्क डिस्क्राइब किया गया एक तरीके का एक पर्टिकुलर प्रोसेस बताया गया है लॉजिकली कि ऐसे ऐसे होता है है ना या होता होगा ठीक है उसको ट्रैक किया गया लॉजिकली तो देखा गया कि हाँ बैकेंड में चीजें ऐसे ऐसे ही काम करती हैं उस बेस पर इसका एक फ्रेमवर्क है राइट एक तरीके का एक आ, प्रोग्राम फ्रेमवर्क बोल सकते हो जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है बट हम लोग कम्युनिकेशन इनेबल करने के लिए रियल इन्वायरमेंट का कौन सा मॉडल इस्तेमाल करते हैं या रियल टेक्नोलॉजी टीसीपीआईपी मॉडल ओके तो एज okay. अ समझ लो कि इट्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क कम्युनिकेशन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए दिया गया है ओके okay? बाकी कोई इसका और टेक्निकल वो नहीं है और जाने की भी जरूरत नहीं है तो यहां पर जो सेवन लेयर्स हैं इसमें हम लोग देखें तो सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन थ्री टू वन अब म्यूटर कर लें सभी लोग अपने अपने जो हमारा सेवन लेयर है वो कौन सा है एप्लीकेशन लेयर सिक्स लेयर हमारा हो जाता है प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल स्पेलिंग देख लिया करेंगे तो ये सारी चीजें हैं अब इन सेवन लेयर के भी यहाँ पर क्वेरी अगर होती है जैसे बहुत सारी जगहों पर ये होता है कि विच वन इज द फर्स्ट लेयर इन एसआई मॉडल तो हम लोग याद तो किए रहते हैं ऊपर से अप्लीकेशन से तो हम लोग यही बोल देते हैं कि दिस इज द फर्स्ट लेयर बट ये नहीं होता है फर्स्ट लेयर आपका क्या होता है फिजिकल लेयर होता है तो यहां पर हमारा जो फिजिकल लेयर है ये फर्स्ट लेयर है डेटा लिंक लेयर सेकेंड लेयर है इसीलिए बोला जाता है कि राउटर हमारा लेयर थ्री डिवाइस है लेयर का मतलब क्या है नेटवर्क लेयर की डिवाइस है है जो हमारा स्विच वो लेयर टू की डिवाइस है डेटा लिंक लेयर की डिवाइस है तो ये जो सेवन लेयर्स है इनके थ्रू हम लोग सेंडिंग रिसीविंग प्रोसेस को है ना यूज टू ट्रैक द ट्रांसमिशन प्रोसेस आर नेटवर्क administrator can uh, understand the process of sending and receiving okay between source and destination our both sector to understand the process of sending and receiving between sender and receiver are source and destination so सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में प्रोसेस को एग्जीक्यूट कैसे किया जा रहा है वो देखा देखने के लिए या एक्नोलेज करने के लिए देखते हैं अजर बैकेंड में कैसे काम चल रहा है ये हमारे पास एक पीसी है और ये हमारे पास सर्वर है डेटा यहाँ से सेंड किया गया अब डेटा हमारा कहीं ना कहीं ऐसे केबल से आते हुए स्विच के पास स्विच से राउटर के सॉरी सर्वर के पास या राउटर के पास जैसे जैसे पाथ होगा नेटवर्क कम्युनिकेशन में उस तरीके से ये काम करेगा तो अगर यहां पर आप एप्लीकेशन लेयर का फंक्शन अगर देखें लाइक व्हाट इज द फीचर एंड फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन लेयर तो यूज फॉर एन इंटरफेस किसके लिए ये होता है फॉर इंटरफेस और इंटरफेस में आपका क्या होता है लाइक like मल्टीपल सब प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करी जाती हैं ओके तो एडमिन कैन एक्सेस इंटरफेस विथ मल्टीपल और मल्टी प्रोटोकॉल मल्टीपल ऑफ प्रोटोकॉल्स आर देयर जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पी आर ओ टी ओ प्रोटोकॉल्स जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं मॉनिटरिंग करते हैं या एक्सेस करते हैं इंटरफेस करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डी एस सी पी एक इंटरफेस प्रोटोकॉल है डी एन एस इंटरबेस बेस्ड प्रोटोकॉल है एच टी टी पी एस एस एच एफ टी पी तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो एज एप्लीकेशन इस्तेमाल करी जाती हैं. अनम्यूट कर सकते हैं बट अनवांटेड नई क्वेरी और बैकग्राउंड वाइज होनी चाहिए तो डी एस टी पी डीएनएस एस टी टी पी टी टी पी एस 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 एच एफ टी पी ये सब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं

एप्लीकेशन चाहिए जिसको मैं एक्सेस करूं तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर एच टी टीपी एप्लीकेशन देखो ऑटोमेटिक आ गया मैंने इसको अप्लाई भी नहीं किया मैं एक बार दोबारा से दिखाता हूं मैं ब्राउजर को ओपन किया अपने कंप्यूटर पर और मैंने यहां से लिखा सीखो लाइव डॉट कॉम तो क्या हुआ यहाँ पर एच टी टी पी ऑटोमेटिक आ गया है ना क्लियर है और यहाँ पर एच टी टी पी एस भी आ सकता है तो अगर एच HTTP और HTTPS और एच है तो डिफरेंस पता है क्या होगा दोनों में तो, 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 इसमें डाउट नहीं होना चाहिए अभी भी कोई गैलेक्सी ज्वाइन है विष्णु कुमार या विष्णु शर्मा आई थिंक कोई है वही है तो उसको रीनेम कर लो आप और कर लो आप कल से ना कहना पड़े तो ये मेरा एक्सेस हो रहा है अब ये एक्टिविटी कैसे हुई ये हम लोग एक्नोलेज करने जा रहे हैं मॉनिटर करने जा रहे हैं ओके सेकेंड लेयर पहले थोड़ा सा लेयर को डिस्क्राइब कर देते हैं उसके बाद हम लोग एक्टिविटीज पर आ जाते हैं फिर हमारे पास आ जाता है प्रेजेंटेशन लेयर सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर अब कोई बताना चाहे तो बता सकता है कोई नहीं बता रहे प्रिपेयर डेटा इनकोड डिकोड नॉट डिकोड कॉम्प्रेस इनक्रिप्ट है ना ए टी सी इसी में आपका डिकोड डी कॉम्प्रेस डिक्रिप्शन सारी चीजें होती है सेंडर एंड रिसीवर साइड के अकॉर्डिंग डेटा अगर इधर से प्रिपेयर किया जा रहा है इनकोड किया जा रहा है तो उधर डेटा ओपन करके डिकोड किया जाएगा तभी पढ़ा जा सकता है राइट इधर इंक्रिप्ट किया गया तो रिसीवर साइड क्या करना पड़ेगा डेटा को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा तभी वो रीड कर सकता है ना तो एक तरीके का ये भी एक प्रोसेस है लाइक डीएनएस डीएससीपी और ये सब एप्लीकेशन ले लिया अब जब आप डेटा एक्सेस कर रहे तो डेटा का कोई प्रेजेंटेशन फॉर्म होगा लाइक प्रिपेयर होगा डेटा इन कोड होगा कंप्रेस होगा इनक्रिप्ट होगा डेटा टेक्स्ट फाइल में हो सकता है डेटा इमेज में हो सकता है वॉट बहुत सारी चीज जैसे यहाँ पर एक्सेस किया गया तो हमारा डेटा क्या था एक तरीके का टेक्स्ट फाइल भी दिख रहा था इमेज भी दिख रहा था जब मैंने कॉम को एक्सेस किया ऐसे करके वेबसाइट वगैरह पर भी जब आप एक्सेस करते हो तो एक तरीके का प्रेजेंटेशन पर ये सारी चीजें होती हैं और सेशन लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेशन ये सर डेस्टिनेशन और सोर्स के बीच करके रखता है यस yes, मैंने सेशन बिटवीन सोर्स या कोई भी ऐसी वहां पर आपको एक्सेस मिलता है और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलता है अगर आप कुछ देर तक ब्राउजर को रिफ्रेश मत करिए वेबसाइट पर विजिट मत करिए तो वहां पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है की सेशन हैज एक्सपायर राइट ये आपका सेशन एक्सपायर हो चुका है क्या हम उस सेशन सेशन को इस के साथ समझा सकते हैं ऐड कर सकते हैं, हाँ, हैं। राइट मतलब एक ओटीपी हमारे पास आता है वो भी क्या होता है राइट बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन कि ओटीपी दो मिनट के बाद काम नहीं करेगा क्योंकि वो सेशन क्या है एक्सपायर हो चुका होगा राइट तो इस तरीके की एक्टिविटीज को हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं एंड देन हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सपोर्ट टीसीपी एंड यूडीपी ऑलरेडी मैंने दोनों के बारे में बताया तो ये क्या होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स होता है और यहाँ पर जो भी हमारा डेटा होता है ना वो डेटा का सेगमेंट प्रिपेयर होता है और सेगमेंट को ट्रांसफर करने के लिए टीसीपी एंड यूडीपी जैसे प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है एक तरीके का राइट तो इट्स अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल और ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो हमारा पैकेट होता है जो हमारा डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में होता है सेगमेंट फॉर्मेट होता है या सेगमेंट फॉर्म ऑफ डेटा ठीक है जो भी हमारा ये पूछा भी जाता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारा ओ एस आई मॉडल में डेटा किस फॉर्मेट में होता है किस फॉर्म में होता है सेगमेंट फॉर्म में होता है ध्यान देंगे नेक्स्ट हमारा नेटवर्क इसका पर्पज है टू डिसाइड बेस्ट रूट ओके फॉर ट्रांसमिशन है ना बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक बेस्ट रूट डिसाइड होता है जैसे अभी तो यहाँ पर आप देखो ये डायरेक्टली इसके इसको डेटा सेंड कर पा रहा है बट मैं अपने कंप्यूटर पर अगर देखूं और मैं यहाँ से एक्सेस करूँ गूगल डॉट कॉम या यहाँ से एक्सेस करू फेसबुक डॉट कॉम तो कहीं ना कहीं ये जो डेटा है ये हमारे सिस्टम और फेसबुक सर्वर पर जब गया होगा तो दोनों के बीच में मल्टीपल सब पाथ होंगे ना मल्टीपल सब राउटर होंगे है ना मेरा राउटर होगा मेरे पास जहाँ से कनेक्शन है आईएसपी का राउटर होगा आईएसपी का राउटर और कहीं कनेक्ट होगा और कहीं कनेक्ट होगा ऐसे मल्टीपल नेटवर्क के बीच में हमारा ये कम्युनिकेशन सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में हुआ और विद इन सेकेंड हुआ तो कितना हाई ट्रांसमिशन हो रहा है कि हम यहीं से बैठे बैठे दिल्ली मुंबई इवन देन यूएसए कनाडा रसिया वट कहीं का भी सर्वर हम क्या कर पा रहे हैं कहीं के भी डेटा बेस्ड सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं राइट तो और वो भी इतना फास्ट तो हमारा नेटवर्क जो है ना मीन्स कनेक्शन बिटवीन मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस बेस्ट रूट टू डिसाइड करता है वो नेटवर्क लेयर का काम होता है या नेटवर्क लेयर पर होता है नेटवर्क लेयर नहीं बेस्ट रूट डिसाइड करता नेटवर्क लेयर के थ्रू हम बेस्ट रूट डिसीजन को समझते हैं मैंने पूरा मॉडल बताया कि एक लॉजिकल है फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन राइट कि क्या प्रोसेस चल रहा है उसको समझने के लिए पूरा मॉडल है राइट right? समझ रहे हो ना तो ये ध्यान देना तो अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ नेटवर्क लेयर डिसाइड टू

ठीक है तो थोड़ी देर म्यूट रखो उसके बाद बेस्ट रूट हमारा क्या होता है इधर डिसाइड हो जाता है और बेस्ट रूट के लिए जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं वो राउटर जैसी डिवाइसेस हैं या कोर लेयर की डिवाइसेस होती हैं यानी कि कोर लेयर जो हमारा अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग है ना कोर डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस के बारे में तो आपको पता चल जाएगा तो राउटर जो हमारा होता है ना ये बेस्ट रूट के लिए राउटर डिसाइड डिसाइड बेस्ट रूट फॉर डेटा पै डेटा ट्रांसमिशन और यहाँ पर क्या फॉर्मेट होता है डेटा का पैकेट फॉर्म होता है ओके सेकेंड हमारे पास है डेटा लिंक लेयर एंड डेटा लिंक लेयर चेक एलएलसी है ना प्लस एक तरीके का मैक एड्रेस एड्रेस की चेकिंग का जो काम होता है वो हमारा डेटा लिंक लेयर का है तो बोल सकते हैं कि जो हमारा एलएलसी प्लस मैक एड्रेस चेकिंग है ये यह हमारा यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर डेटा जो हमारा है फ्रेम वाइज वर्क करता है आगे आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्विच और कैसे यहाँ पर एल मैक फंक्शन करता है पूरा प्रैक्टिकली आप इसके आर्प टेबल के बारे में समझेंगे तो यहाँ पर बस इतना समझे कि यहाँ पर डेटा लिंक लेयर एक स्विच डिवाइस है जो कि मेंटेन करता है मैक एड्रेस के भी यहाँ पर कम्युनिकेशन और हमारे पास यहाँ पर स्विच है और यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि कैसे काम कर रहा है यहाँ पर कोई दूसरा नेटवर्क है नहीं तो बेस्ट रूट की जरूरत नहीं है तो लेयर थ्री राउटर की जरूरत नहीं है यहाँ पर है ना क्या इस नेटवर्क में यहां से यहाँ डायरेक्टली कनेक्शन अगर है तो हमें राउटर की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर अपने एक अपने ही घर में एक रूम से दूसरे रूम में जाना है तो आपको प्लेन की जरूरत पड़ेगी नहीं ना आपको अपने देश से दूसरे देश जाना है हाँ जी तो जरूरत पड़ेगी तो वही मैं यहाँ पर समझा रहा है कि ये जो है ना डायरेक्टली कनेक्टेड है तो यहाँ पर राउटर की जरूरत नहीं है बट अगर मैं इसी पीसी से इंटरनेट पर गूगल डॉट कॉम को एक्सेस करूँ तो फिर क्या होगा हमें उस पैकेट को राउटर के थ्रू जाना होगा और पैकेट जब राउटर के पास आएगा तो इंटरनेट पर वो सर्च करने के लिए क्या करेगा बेस्ट रूट सेलेक्ट करेगा क्योंकि इंटरनेट पर हजारों रूट है है ना और उस रूट में बेस्ट सेलेक्ट करना राउटर का, का काम होता है आगे हम लोग समझेंगे कि हाउ डज राउटर सेलेक्ट बेस्ट रूट ओके आर हाउ मेनी राउटिंग प्रोटोकॉल्स मैट्रिक्स राउटर कैलकुलेट टू डिसाइड बेस्ट रूट वाइल ट्रांसमिशन ट्रांसमिटिंग द डेटा बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन ओके ये एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन मॉडल का थ्रू प्रोटोकॉल बोल सकते हैं कि अप्लाई करने के साथ एंड थ्रू और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे नेटवर्क कम्युनिकेशन मॉडल हैं इन सब चीज़ों के साथ ये पूरा फंक्शन होता है इनके फ्रेमवर्क होते हैं कि कैसे हमारा बेस्ट रूट होगा किसके बिहाब पर होगा कौन सी वैल्यूज़ राउटर को पता है जो कि बेस्ट रूट वो कैलकुलेट कर लेता है वैसे ही समझ लो कि हमें अगर यहाँ से मीन्स अगर मैं इस समय डेली में हूँ और मुझे मुंबई जाना है तो मुझे बेस्ट रूट पता होना चाहिए है ना कि मुझे बाई प्लेन जाना है बाई बस जाना है बाई ट्रेन जाना है बाई व्हीकिल जाना है पर्सनल व्हीकल कुछ भी ऐसे है तो उसके थ्रू कैसे जाना है तो वो हमें पता होना चाहिए अगर आप यहाँ से मान लिया एक एग्जाम्पल मैं देता हूं अगर आप फर्स्ट टाइम किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना चाहते हो और आपको लोकेशन रास्ता नहीं पता तो आप क्या करते हो गूगल मैप लगाते गूगल मैप पर हाँ हाँ तो राउटर क्या गूगल मैप राउटर कौन सा गूगल मैप इस्तेमाल करेगा रास्ता पूछ कर जाएंगे रास्ता पूछ कर जाएंगे है ना मेरे मेरे गांव चलो वहां गूगल मैप देखो काम करता है वो समझता ही नहीं है मैं कहा <laughs> कंफ्यूज हो जाता है तो गूगल मैप हर जगह नहीं है वहां के लोकल है ना जो सर्विस प्रोवाइडर मींस जो वहां का राउटर जो नेटवर्क में पर्सन अवेलेबल है ना उससे पूछेंगे तो बेस्ट रूट का जो फंक्शन होता है या काम होता है राउटर जब नेटवर्क में जाएगा तो अपने जैसे कि मुझे नहीं पता कि यह मैं अपने कंप्यूटर पर फर्स्ट टाइम डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एक्स वाई जेड डॉट कॉम वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ और हमारे राउटर को नहीं पता कि हमारा कहाँ पर ये पाथ है तो हमारे आईएसपी को भी नहीं पता कि ये कहाँ पर पाथ है तो ऐसे वेबसाइट तक पहुँचने के लिए हमारा राउटर हमारा आई हमारे कनेक्टेड राउटर्स जो हैं वो टाइम लगाते हैं है, है ना आप जब फर्स्ट टाइम किसी डिवाइस पर इंटरनेट एक्सेस करते हो तो आई थिंक एक दो सेकंड डिले रिस्पांस आता है फर्स्ट टाइम नई डिवाइस लो एक्सेस करो आ, सर उसके और जब तो आप दोबारा एक्सेस करते हो तो कैश मेमोरी से लेकर लॉग आग... फाइल से लेकर राउटर के पास आपके आईएसपी के पास पूरा उसका डेटा होता है पाथ का और सर, तुरंत वहीं से आपको कैश डेटा मिल जाता है सर ये जो हम फर्स्ट टाइम कर लेकिन जब सेकंड टाइम हम सपोज करो हमने अपना लैपटॉप शट डाउन करा उसके बाद, उसके बाद बाद तो हट जाता ना कैसे मैं से नहीं हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं तुम्हारे नेटवर्क राउटर और इन सब चीजों से तो नहीं हटा ना हमारे आईएसपी से तो नहीं हटा हाँ, देखो से नहीं आप देखो आप एक बार जब एक रास्ते से निकलते हो आपको रास्ता नहीं पता और आपने पूछते पूछते कहीं पर पहुंच गए आप तो आपके पास पूरा रिपोर्ट सेव हो जाता है हाँ। सेव हो जाएगा अब जब दोबारा आप जाएंगे तो क्या उतना ही टाइम लगेगा जो फर्स्ट टाइम आपने दिया था समझ लो सेम वैसे ये सब ये सब इंसान है और ऐसे ही काम कर रहे हैं इनकी दुनिया है है ना ओके okay. और इनको अगर एआई ट्रेन करने लगा तो ये सब मिलके कहेंगे कि ऐसा एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो इंसान इंसान को खत्म करता हो बहुत डेटा भेज चुके ऐसा भेजो सबका डेटा इधर उधर तो फिर क्या होगा ऐसा अगर कोई और बन जाए कुछ ऐसा AI बेस हम लोग खत्म हो जाएंगे तो एल एल सी मैक एड्रेस आगे बढ़ते हैं एल एल सी मैक एड्रेस यहाँ पर हमारा एक एड्रेस चेकिंग होता है लोकल एड्रेस चेकिंग इसको बोलते हैं और यहाँ पर स्विच जैसी डिवाइस का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर पूरी टेबल मेंटेन होती है जैसे इस स्विच को पता होगा कि इस कंप्यूटर का मैक टेबल क्या है इसका, इसका क्या है इसका क्या है इसका क्या है सबका टेबल अपने पास स्टोर करके रखता है और ये डेटा को फ्रेम फॉर्मेट में क्या करता है फ्रेम फॉर्म में ट्रांसफर करता है डेटा का फ्रेम रिसीव करता है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो डेटा है वो फ्रेम टैग के साथ उसमें मैक एड्रेस की चेकिंग होती है कि हमारा इस मैक एड्रेस के लिए डेटा है या इसके लिए इसके लिए, इसके लिए किसके लिए ठीक है अभी हम लोग चेक करते हैं इसको नेक्स्ट अगर हम लोग देखें फिजिकल तो फिजिकल लेयर पर हमारा क्या प्रोसेस होता है? सारे स्विच है स्विच के अंदर जो अपना एड्रेस वो आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर जो सेव करता है स्विच वो कैम मेमोरी होती है उसमें सेव करता है कंटेंट एड्रेस मेमोरी टॉपिक को गोल-गोल मत घुमाओ दूसरे पॉइंट पर मत लेकर जाओ आगे स्विचिंग पूरा पढ़ेंगे खफ्ता ठीक है मैंने यहां पर कनेक्टिविटी लेकर कनेक्टिविटी एंड केबल जो हमारा फिजिकल लेयर है ये क्या है एक केबल मीडिया या जो भी हमारा कनेक्शन है हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस पर वो प्रॉपर है कि नहीं है ना मीन्स अगर हमारा कनेक्शन प्रॉपर है तभी तो हमारा डेटा स्विच ट्रांसफर करेगा हमने यहाँ से डेटा सेंड किया यहाँ पर आ गया फ्रेम वगैरह आ गया अब हमारा ये केबल ही नहीं प्रॉपर कनेक्टेड है तो क्या होगा डेटा हमारा लॉस हो जाएगा प्रॉब्लम होगा तो हमारा ये सब भी चेकिंग होता है तभी डेटा ट्रांसफर होता है है ना तो अगर हम लोग इस प्रोसेस को आप रियल इन्वायरमेंट में समझें या कैसे तो जो लास्ट लेयर है ये हमारा डेटा बिट्स के फॉर्मेट में रिसीव करता है ना डाउनलोडिंग जब हम लोग करते हैं कोई डेटा या कुछ रिसीव करते हैं तो आप देखो किलो बिट पर सेकेंड और बिट्स पर सेकेंड है ना या इतने मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड से मिल रहा है ये सब हमें मिलता है ना बिट की बिट के फॉर्म में ये सारी चीजें तो सेगमेंट फोर्थ लेयर पर है पैकेट थर्ड लेयर पर सेकंड लेयर पर फ्रेम और लास्ट लेयर पर आपका क्या है बिट है क्लियर है अगर मैं इसका प्रोसेस समझूं कि लास्ट लेयर से कैसे स्टार्ट हो रहा है तो हमें यहाँ पर एक सिमुलेशन मोड है एंड लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग कि कैसे ये काम कर रहा है और ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर लिया और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं अब समझाने के लिए और मैं यहाँ तक आ गया मैंने इस पी को क्लिक किया और पी से मैंने डेटा ट्रांसफ़र किया मैं किसके लिए ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इस सीखो के लिए तो लाइव देखो होता क्या है मैं यहाँ पर आ गया और मैंने यहां पर लिखा सीखो लाइव डॉट कॉम जब आपने वेबसाइट पर ट्रिगर किया तो आपका एक पैकेट जनरेट हो गया हो गया पैकेट जनरेट ओके अब अगर मैं ये पैकेट की बात करूं तो यहां पर कैसा पैकेट है ये टाइप क्या है ये कौन सा name. पैकेट दिख रहा है एक तरीके का डीएनएस टाइप दिख रहा है और डीएनएस का पर्पज क्या होता है अगर मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ट्रिगर किया है जो वेबसाइट का नाम मैंने दिया सीखो लाइव डॉट कॉम ध्यान देना मैंने वेबसाइट का नाम क्या दिया है ब्राउजर पर सीखो लाइव डॉट कॉम सबको क्लियर हो रहा है ना yes, और yes, सीखो लाइव डॉट कॉम जब मैंने यहाँ पर ट्रिगर किया अपने किस पर क्लाइंट मशीन पर किस पर पी जीरो पर तो ये क्लाइंट सीखो लाइव डॉट कॉम का पैकेट तैयार किया और इस पैकेट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन ये रखा ये देखना है तो हम क्या करेंगे इस पैकेट पर क्लिक करेंगे पैकेट पर जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है कि कि पैकेट कंसिस्ट अबाउट और DNS मैंने अभी बताया कि किस लेयर पर काम करता है एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर लेयर पर तो एक एप्लीकेशन है यहाँ पर और यहाँ पर हमारा जब डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम एनी डिवाइस टू एनी वेब सर्फेस पर तो टीसीपी यूडीपी जैसी प्रोटोकॉल्स डेटा को क्या करते हैं लीड करते हैं है न ना। तो हमारा यहाँ पर जो डेटा है वो तर, देखो लेयर फोर इस पैकेट के अंदर पूरा डेटा आ गया ध्यान देना मैं क्या बता रहा यहां पर इस पैकेट में इस पैकेट में ये पूरी इंफॉर्मेशन है ओके तो सेवन लेयर पर डीएनएस की इंफॉर्मेशन है इस पैकेट के अंदर इसमें लेयर फोर की इंफॉर्मेशन क्या रखा हुआ है कि ये डेटा यूडीपी है और udp प्रोटोकॉल काम काम कर रहा है जो सोर्स पोर्ट है वो क्या है 1027 यानी कि इस पीसी का जो पोर्ट नंबर है वो कितना है 1027 1027 अनदर हमारे पास डेस्टिनेशन है जिसका सॉरी अभी यहाँ पर सोर्स हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं है ना ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे कि हमारा सोर्स पोर्ट नंबर क्योंकि मुझे लगा ये 80 पोर्ट पर रीडायरेक्ट हुआ है अभी पैकेट के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये देखो सोर्स आईपी क्या दिखा रहा हंड्रेड डॉट टेन तो ये जो पोर्ट नंबर है सोर्स का ये हंड्रेड डॉट टेन हमारा यही है ना इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे मॉनिटरिंग समझ में आ रही है सभी को म्यूट कर लो किसी की तरफ नॉइज़ आ रहा है वही अनम्यूट रखे जो बैकग्राउंड नाइज नहीं तो सोर्स पोर्ट हमारा यहाँ पर 110 है तो यहाँ पर ये है और इसने यूडीपी पोर्ट 1027 इस्तेमाल किया डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर 53 है डेस्टिनेशन कौन है अभी इस समय यहाँ पर आईपी देखो 100 250 सर सर हमारा सर यानी कि डीएनएस और डीएनएस का पोर्ट नंबर क्या होता है 53 53 इधर आपका चेंज नहीं हो सकता ओके हां अनुराग सर पर... सर ये जो पोर्ट ये पोर्ट डिसाइड किसी प्रोटोकॉल के तहत हुआ है या ये रैंडम है हाँ, ही प्रोटोकॉल का मैंने कल ही बताया था कि अगर कोई भी प्रोटोकॉल हम एक्स प्रोटोकॉल लेते हैं तो उसका एक पोर्ट नंबर फिक्स्ड होता है राइट तो सर ये वन जीरो टू सेवन ये रैंडम पोर्ट है इसकी तरफ तो कोई भी पोर्ट हो सकता है है ना सर्वर का सर, पोर्ट सर, नहीं चेंज होगा सर ये जो हम डाटा पैकेट सेंड कर रहे हैं मतलब जो वायरलेसली हम करते विदाउट इथरनेट केबल तो सर यूडीपी के थ्रू होता है ना ट्रांसफर दोनों तरीके से होता है जैसा पैकेट वैसा काम ठीक है हाँ अब ऐसा नहीं है कि वायर्ड करेंगे तो टीसीपी यूडीपी दोनों होगा वायरलेस करेंगे तो यूडीपी होगा ओके आप क्या कह रहे हो वायरलेस यूडीपी के थ्रू होता है ना आ, हाँ, तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको यूडीपी सर तो वायरलेस मैंने तो कोई इस्तेमाल ही नहीं किया तो ऐसा मत बनाइए। ओके नेक्स्ट हम लोग देखें कि पैकेट हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हमारा इथरनेट इंफॉर्मेशन लेयर टू पर रखा है मैंने अभी बताया कि लेयर टू पर हमारा क्या होता है स्विच और यहाँ पर क्या चेक होता है मैक जैसे कम्युनिकेट मैक जैसे एड्रेसेस। तो देखो यहाँ पर इथरनेट सेकेंड पर जो सोर्स है उसका मैक एड्रेस जो डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस ओके यहाँ पर पैकेट के अंदर है ये पूरा हमारा एक प्रोसेस है अब हम यहां पर इसको हटाते हैं और पैकेट को वन स्टेप मूव करते हैं आगे पैकेट आगे आया स्विच के पास देखो यहां पर स्विच स्विच के पास जो पैकेट है अब इसमें देखो डेटा क्या होगा चेंज हो जाएगा स्विच के पास जो डेटा है वो आईपी पर कम्युनिकेशन कर रहा है नहीं हमारा यहाँ पर स्विच क्या कर रहा है मैक एड्रेस मैच कर रहा है मैक एड्रेस क्या मैच करेगा जो मैक एड्रेस हमें मिला था इससे पहले वाले पैकेट में ध्यान देना इससे पहले जो हमारा पैकेट था ये था ना ये इसमें मैक एड्रेस देखो क्या था सोर्स का सिक्स ई थ्री सी था और डेस्टिनेशन का वन सिक्स नाइन सी था अब यहाँ पे मैच करना ई थ्री सी सिक्स नाइन सी पैकेट जब हमारा यहां पर आया ई थ्री सिक्स सी और ये सेम है पैकेट के अंदर स्विच के पास वही पैकेट आया ना जो यहां से भेजा गया था यस सर ओके कोई अगर सिक्योरिटी टीम से बिलोंग करता हो तो वो समझ सकता है कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रिटी मेंटेनिंग राइट? पता है किसी को व्हाट इज इंटीग्रिटी अबाउट डेटा क्या हम ये रख सकते हैं इंटीग्रिटी के अंदर कि हाँ सही है हमारा कम्युनिकेशन कौन बताएगा नहीं ठीक है कोई नहीं तो हम यहां से क्या है भेजने वाला और पाने वाला दोनों सेम यहां पर भी मिले और सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों तरफ मैच हो रहा है अब देखो आगे जब हम पैकेट को फॉरवर्ड करेंगे तो हमारे स्विच को पता है कि पैकेट देना किसको है इसको जिसका मैक एड्रेस क्या है सिक्स नाइन सी समथिंग है ना ये इस पी को तो पैकेट देगा नहीं तो आगे जब पैकेट हमारा जाएगा यहाँ पर देखो तो ये पैकेट किसको गया तीनों तीनों के पास गया अभी फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट यहां पर देखो पैकेट कुछ सक्सेसफुल पास नहीं है इनके पास क्यों नहीं है क्योंकि पैकेट मैच ही नहीं होगा इनके पास राइट और फर, ऐसा पैकेट सभी के पास क्यों गया कोई रीजन फर्स्ट टाइम तो ब्रॉडकास्ट करेगा रीजन ब्रॉडकास्ट पहले इसने सर्च किया कि ये है कौन सबसे पूछा ठीक है इसके बारे में अगर पढ़ना है डिटेल में तो ये वाली लाइन पढ़ो आप ये लिख कर बता रहा है पूरा है ना कि दिस फ्रेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस डज नॉट मैच ये क्या है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को मैच नहीं कर रहा है तो फ्रेम रिसीविंग पोर्ट क्या कर रहा है मैक एड्रेसेस का सॉरी मैक एड्रेसेस का ब्रॉडकास्ट किया है ना द ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस आर एनी मल्टीकास्ट एड्रेसेस किसी भी मतलब उसके साथ मैच नहीं किया और जिसकी वजह से यहाँ पर एक फ्रेम ड्रॉप ऐसा कुछ सीनरी दिखा रहा है तो जब हमारा पैकेट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है इधर देखो अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा अगर हो रहा है टेबल की चेकिंग तभी होती है जब हमारे स्विच का इन सब डिवाइसेस के मैक के बारे में पता नहीं होता है जब एक बार पता हो जाएगा तो पैकेट लेकर आया अब देखो ये पैकेट वापस किसको लेकर जाना है अब इसको पता चल गया इतने में इसने समझ लिया कि मैक एड्रेस किसका मैच हुआ किसका नहीं सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में देखो यहाँ पर लेयर टू के अंदर हेडर की इन्फॉर्मेशन में एक आईपी इन्फॉर्मेशन दिखाया आर्प इन्फॉर्मेशन आर्प टेबल के अंदर क्या होता है आईपी मैक की इंफॉर्मेशन होती है ओके okay? और इस टेबल को हम लोग बोलते हैं स्विच जो होता है ना ये कैम टेबल की एंट्री में रखता है कैम मेमोरी में रखता है कॉन्टेंट एड्रेस मेमोरी आगे आपको पढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर पूरा बता रहा है कि जो सोर्स फ्रेम मैक एड्रेस है या सोर्स मैक एड्रेस है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मैक टेबल के अंदर स्विच में तो इसने नई एंट्री टेबल में क्या किया ऐड किया उसके बाद जो भी हमारा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है ब्रॉडकास्ट हुआ और स्विच प्रोसेस किया उस फ्रेम को फ्रेम को प्रोसेस करने के बाद उसने मैक एड्रेस को कलेक्ट किया गया किया होगा कलेक्ट करने के बाद मैक एड्रेस टेबल को मेंटेन किया होगा अब यहाँ पर हमारा ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट रुक जाएगा और हमारा जो डेटा है डी होते हुए यानी कि जब वापस जाएगा तो एज पर आर्प प्रोसेस जाएगा है ना इस तरीके से कुछ होगा तो क्या अभी पैकेट दोनों तीनों को जाना चाहिए आर्प टेबल जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक यह जाएगा आर्प टेबल कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा एक पैकेट सक्सेसफुल हो गया यहां पर आप देखेंगे तो पैकेट हमारा सक्सेसफुल है अब देखो एक पैकेट गया एंड अब देखो एक ही बार गया आर्प टेबल हमारा क्या हो गया मेंटेन हो गया अब हमारा पैकेट क्या हो रहा है वन टू वन क्लियर है अब किसी से बात हो रही है और और यहां पर हमारा पैकेट क्या था एच का था क्लियर है एस लेयर का सोर्स पोर्ट नंबर वन जीरो टू सेवन डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर एटी था अब करेक्ट इंफॉर्मेशन मिली है सोर्स आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर एच का कितना होता है एटी होता है अगर एस एस एल सर्टिफिकेट होता है एच टी टी पी एस होता तो पोर्ट नंबर कितना होता हमारा फोर फोर थ्री होता तो यू मस्ट रिमेम्बर दीज ऑल थिंग्स ओके ये सब आपको पता होना चाहिए तो अभी हमारा पैकेट क्या है कि एक प्रोसेस में पूरा कंप्लीट हुआ और ये चीज हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है ओके okay? बट हमने यहाँ पर जो पैकेट भेजा वो एच टी टी पी का पैकेट था और यहाँ पर जो हमारा फाइनल पैकेट है वो कैसा है टीसीपी पैकेट है पहले हमारा यूडीपी क्यों था समझ को टाइम देना पड़ेगा वीडियो रिकॉर्डेड बार बार देखना पड़ेगा समझ में आएगा तभी सारी चीजें राइट हुँ। अगर हुँ। थोड़ा सा लाइट वेट चलना है तो मैं वैसे भी पढ़ा सकता हूँ लेकिन आई थिंक बेटर ऐसे ही है ना जो, है, और इससे पहले जब हमने दिखाया था तो हमारा पैकेट कैसा था निल्ण थी। निल्ण थी। तो अभी टीसीपी कैसे हो गया और पहले यूडीपी कैसे था इस सिनेरियो को कोई सॉल्व कर सकता है क्योंकि पहले वो सिर्फ डीएनएस को लेके चल रहा था अब एच को लेकर चल रहा है डेटा में आ गया। <laughs> और थोड़ा सा क्लियर कोई करेगा सर उसको आईपी पता चल गया उसका उसको आईपी पता चल गया ठीक है आंसर सही है ये भी और कुछ एड्रेस भी सही। ओके okay. पहले जब ये ब्लाइंड मैसेज कर रहा था तो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज कर रहा था राइट तो उस कंडीशन के लिए इसने यूडीपी इस्तेमाल किया जब एक्नोलेज हो गया हमारा पैकेट तो हमने कल ही पढ़ा था कि एक्नोलॉजमेंट जहां पर होती है वहां पर क्या काम कर रहा होता है हमारा टीसीपी तो एक तरीके का यहाँ पर देखेंगे एच प्रोटोकॉल के साथ हमारा टीसीपी वर्क कर रहा है और डेटा पैकेट प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर हो रहा है ओके एक्नोलॉजमेंट भी मिल रहा है कि पैकेट हमारा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया क्योंकि यहाँ पर डेटा ये क्या कर पा रहा है एक्सेस कर पा रहा है इसमें आकर चेक करो ये देखो डेटा एक्सेस हो पा रहा है राइट ये सब चीजें एंड देन वाट अबाउट सेगमेंट आर व्हाट अबाउट सेसन सेसन को कैसे चेक कर सकते हैं टाइम पीरियड ओके तो मैं एक सेसन uh, क्रिएट करता हूँ और आह uh, only for educational purpose okay no need to perform this type of activity in your uh, own lab या आप अपने घर पर कुछ भी ऐसा perform अभी आप करते हो तो अपने lab में perform ना करें किसी दूसरे के भी lab में perform ना करें जब तक का आपके पास dedicated कोई website नहीं है तो okay no need to try other website okay कोई ये सा वो नहीं है, हमारे end से मैं जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज कोई भी अगर सिक्योरिटी पार्ट कवर करूंगा तो कवर करूंगा तो कुछ यहां पर अगर मैं लाइक like, uh, एक वेबसाइट और .net का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ आई थिंक ये मेरा मेन कंप्यूटर का यहाँ पर डेटा दिख जाएगा तो मुझे एक मिनट के लिए कोई दूसरी मशीन ऐसे ही रेंडम में ओपन कर लेता हूँ लिनक्स आप लोग भी डाउनलोड कर लेना इंस्टॉल कर लेना और पढ़ लेना इसके बारे में थोड़ा को विंडोज पे चलता है हां विंडोज पे वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करके चला लेना आप ये क्रोम में क्या हो गया क्रोम में फोर हंड्रेड थर्टी सिक्स एम का डेटा कहाँ से आ गया कुछ और ही डाउनलोड हो रहा है क्या तो जब भी हम कोई डेटा किसी वेबसाइट से एक्सेस करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर अगर आ जाए और मैं एक रेंडम वेबसाइट एक्सेस करता हूँ जैसे टेस्ट फायर डॉट नेट आप इस वेबसाइट पर ट्राई कर सकते हो और मैं यहाँ से साइन इन कर रहा हूँ साइन इन करने के साथ मैं पहले ये ब्राउज़र ले लूँ दो ब्राउजर की ज़रूरत पड़ेगी क्यों कहा जाता है कि आप अपने ब्राउज़र के लॉग एक्टिविटीज़ को क्लियर करके रखें या जो भी उसके अंदर आप कैश फाइल क्रिएट हो रही है उसको भी हटा दें ऐसा कुछ वो करके द डिस्प्ले मैनेजर इज प्रोग्राम दोवाइड प्रोवाइड लॉग इन एक्स विंडो सिस्टम ओनली डिस्प्ले लाइट डीएम टाइम लगाएगा ये, ये क्या हो रहा है सर ये बस एक गूगल क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल कर रहे हैं ये कमांड बेस है सर hey, उससे डाउनलोड चालू हो गया अच्छा ये ये ग्राफिकल इन्वायरमेंट क्रोम वाले पैकेट के अंदर कोई ऐसा रहा होगा जिसने चेंज कर दिया हम एक काम करते हैं डीले नहीं करेंगे टेस्ट फायर डॉट नेट और यहाँ से साइन इन करते हैं इसका यूज़र नेम पासवर्ड डालकर इंटर करते हैं और ये लॉगिन हो गए लॉगिन करने के बाद इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो इसका मेमोरी होता है कहाँ पर मिलेगा एप्लीकेशन के अंदर कुकीज़ और यहाँ पर एक सेशन आईडी मिल रहा है जे सेशन आईडी। अगर मान लिया कि मैं इस आईडी को कॉपी करता हूँ ब्राउज़र के हिस्ट्री में भी कुकीज़ वगैरह मिल जाता है जहाँ पर ये सेशन आईडी होता है और मैं किसी दूसरे ब्राउज़र पर आ जाऊँ और मैं उस वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करूँ जैसे ये मैंने ओपन कर दिया दूसरे ब्राउजर पर ये मेरा क्या है फायरफॉक्स है और मैंने लॉग इन कहाँ पर कर रखा है गूगल क्रोम पर कर रखा है दूसरा ब्राउजर है ठीक है ये तो अब यहां पर देखो साइन इन का ऑप्शन है बट अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूं और इधर इसके स्टोरेज में कुकीज के अंदर आता हूँ इसका जे सेशन आईडी ये है मैंने इसके सेशन आईडी को हटाया उसके सेशन आईडी को यहाँ पर पेस्ट करके एंटर किया और ये चीज क्लोज कर दिया और यहाँ पर साइन इन है और मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन ऑफ सेशन का मतलब होता है कि जो करेंट सर्वर यानी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में हमारा चल रहा है ना अगर बीच में किसी हैकर अटैकर को वो सेम सेशन मिल जाता है तो वो आपके अकाउंट को क्या कर लेगा हाईजेक कर लेगा लॉग इन कर लेगा राइट फिर बहुत आसानी से आपके आईडी को आपके अकाउंट के अंदर की डिटेल को क्या कर सकता है कर लेगा, कॉम्प्रोमाइज कर सकता है अब ये कहेंगे ये एक सिक्योर साइट था आप सिक्योर साइट देंगे उस पर भी ये चीज काम करेगा राइट बस आपको सेशन आईडी फाइंड आउट करना है सेशन आईडी फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं जी इंस्पेक्ट पूरी मशीन हमारा करप्ट हो गया क्या था गूगल क्रोम में इंस्टॉल हो रहा था अभी क्लियर है ये सब कोई क्वेरी क्वेश्चन किसी का तो यहां सिस्को पैकेट ट्रेसर पर आप अपना प्रैक्टिकल कर सकते हो मैं पढ़ नहीं रहा हूं पूरी एरर हमारे सिस्टम का जो स्पेस है ना वो पूरा फुल हो चुका है दो सौ चौसठ के बी बचा है इसीलिए तो ये एरर आ रही है इसको क्या कर सकते हैं फिर फ्री करना होगा विंडोज टेन को मुझे डिलीट ही करना था हटा देते हैं कोई क्वेरी है तो पूछिए अदरवाइज एंड करते हैं सेशन सर मुझे एक क्वेश्चन पुछन, पूछना